दोस्तों तो एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाता हूँ आज मुझे मालूम हुआ कि मैं औरों से बहुत ईमानदार हूँ मैं खुद को कमज़ोर समझता था लेकिन मैं उनसे बहुत ताकतवर हूँ आज मुझे मालूम हुआ कि मैं औरों से बहुत ईमानदार हूँ सुने आप आगे। आज मैं उनकी सबकी कारगुजारियाँ जान गया हूँ एक एक की नब्ज़ पहचान गया हूँ देखने में बड़ा भोलापन उनका शब्दों में मिठास लेकिन दिल में उनके एक खिड़की न हुई शायद बनाने वाले की मिस्टेक हो गई नहीं तो मैं पता लगा लेता कितने काले सांपों को जो उनके मन में है कि उनकी गिनती कर लेता गिनती कर में संभल जाता उनकी अंदर बाहर की सेल्फी ले लेता ये अपना धर्म भूल गए गिद्ध जो अदृश्य हो गए उनका पता लगा लिया ठोकरों ने मेरे पैरों को मजबूत बना दिया कुछ कहूँ उनकी चालाकियों की कहानी लेकिन मैं इन भेड़ियों के झुंड में घिर गया हूँ आज मुझे मालूम हुआ कि मैं औरों से बहुत ईमानदार हूँ बहुत ताकतवर हूँ अंतिम आज कहीं शहनाई सुनाई नहीं देती राग मियाँ की तोड़ी सुनाई नहीं देती कोई खां साहब अब मंदिर में नहीं जाते अब कोई हनुमान जी आशीर्वाद नहीं देते बनारस की तंग गलियों में शिषकियों ने डेरा डाल दिया है कोई भूखा तो कोई प्यासा रात गुजार रहा है फनकारों की जगह खाली हो गई हरिदास की समाधि मटमेली हो गई तानसेन की तान ने में विलीन हो गई बदलते वक्त की बदलते परिवेश की भाषा गुम हो गई मैंने बहुत हाथ पैर मारे कुछ न हुआ साहिल के पास आते आते डूब गया कश्तियों के झुंड को ओझल होते देख रहा हूँ आज मुझे मालूम हुआ कि मैं पोरों से बहुत ईमानदार हूँ ताकतवर हूँ